हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दसवीं का मैथ्स, जो प्रश्न वाली 3.1 करवा रहे थे हम, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। उसके बारे में मैं आज आपको सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन बताने जा रहा हूँ बच्चों। ये सारी कंडीशन एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी आती है, रिक्त स्थान में भी आती है, सही जोड़ी में भी आती है, और इससे चार नंबर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बच्चों आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, और आप अगर यदि पूरे क्वेश्चन यहाँ से करके जाओगे तो आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, है ना। सारे ऑब्जेक्टिव कवर होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन इसमें चार नंबर वाले बच्चों कवर होने वाला है। तो बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर, जिस पर बच्चों डेली आपको रेगुलर सभी सब्जेक्ट की क्लासे मिलती है। हमारे यहाँ पर फिजिक्स की आत्मा पर बच्चों नवी से लेकर 12वीं तक के सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री पढ़ाए जा रहे हैं ना, जिनकी सारी प्लेलिस्ट हमने डाल रखी चैनल के अंदर। तो जल्द से जल्द बच्चों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ना, ताकि आपके ऐसे बच्चे जहां कोचिंग नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उनको समस्या का सामना करना पड़ता है ना, जो पढ़ने में थोड़े असमर्थ है, तो उनके लिए मेहनत कर रहे बच्चों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए और बताइए कि आपको बिल्कुल फ्री मुफ्त कोर्स में सारी पढ़ाई यहाँ पर एकदम अच्छे से मिल रही है। और जो भी डाउट हो बच्चों आप कमेंट में कर सकते हो। तो आइए बच्चों आज का सेशन हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों आपने अपने रेखा का समीकरण समझा होगा, मैं आपको रेखा का समीकरण लिख के बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और बराबर जीरो। तो ये जो समीकरण है बच्चों ये एक रेखा का समीकरण है ना। तो यदि मैं इसको युग्म के रूप में लिखता हूँ, है ना, ये तो अभी एक समीकरण है, और मैंने यहाँ पर एक और समीकरण लिख दिया, मान लो ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का सी और बराबर में जीरो। तो ये दो समीकरण लिखे मैंने ना, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए, तो इन दोनों में ये दोनों समीकरण रेखा के तो है, लेकिन इनको डिफरेंस करने के लिए अपन यहाँ पर नाम दे दे, इसको दे दे ए वन, इसको नाम दे दे अपन ए टू, इसको नाम दे दे अपन बी वन, इसको नाम दे दे अपन बी टू, इसको नाम दे दे अपन सी वन, इसको नाम दे दे सी टू। तो आपका समीकरण हो गया ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो। मतलब ये समीकरण नंबर एक है, ये पहली रेखा है ना, ये पहली रेखा का समीकरण है, और ये दूसरी रेखा का समीकरण है, और इसको अपन ने नाम दिया है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर में जीरो। ये दूसरा समीकरण है ना। मतलब यहाँ पर मैंने आपको सब बता दिया था कि कौन सी संख्या इसमें अचर है और कौन सी इसमें चर संख्या होती है ना। तो यदि आपने इसके पहले वाले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, वो देख लीजिए, फिर इसके आगे आप बढ़िए, है ना। तो अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण तीन तरह की कंडीशन होती है बच्चों। देखो रेखाएँ जो होती है, दो रेखाएँ जब होती है तो वो तीन तरह के व्यवहार कर सकती है। दो रेखाएँ जो होती है वो तीन तरह के व्यवहार कर सकती है। पहला व्यवहार तो इस तरह से करती है कि कोई रेखा है वो आपस में एक दूसरे को इस तरह से काट सकती है। तो ये जो रेखा एक दूसरे को काट रही है बच्चों, इसको बोलते हैं अपन प्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने कंडीशन बनाई है इसको बोलते हैं अपन प्रतिच्छेदी रेखा। और एक एक कंडीशन ये बनती है कि फर्स्ट रेखा ये है आपकी, है ना, ये वाली है, और जस्ट एक और रेखा इसी के ऊपर से ऐसे निकल जाए, है ना, रेखा के ऊपर ही एक और रेखा चली जाए, तो इसको बोलते हैं अपन संपाती रेखा। अगर ये वाली कंडीशन है तो इसको बोलते हैं अपन संपाती रेखा, है ना। तो पहली जो कंडीशन मैंने बताई आपको, ये कौन सी कंडीशन है बच्चों? ये कंडीशन है प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन है। ये वाली कंडीशन कौन सी है? ये संपाती रेखा वाली कंडीशन है। और एक थर्ड कंडीशन आती बच्चों कि दो रेल की पटरियां देखी आपने, रेलवे की लाइन, या फिर आपकी स्केल स्केल रख के आप दोनों तरफ से ऐसे लाइन खींच दो, रेखा खींच दो, तो ये वाली जो कंडीशन है इसको बोलते हैं अपन समांतर रेखा, है ना। इस तरह के आपने बहुत सारी डिजाइन देखी होगी, जैसे आपके यहाँ लोहे की सीढ़ियाँ रहती है वो एक दूसरे के समांतर है, जैसे बोर्ड में हम ये देख रहे हैं कि ये वाले जो हिस्सा इस वाली लाइन के बिल्कुल एकदम क्या है, समांतर है ना। तो ये होती है समांतर रेखा। ये कौन सी होती है बच्चों? समांतर रेखा। तो ये रेखा कुछ ना कुछ तीनों, जब तीनों कंडीशन फॉलो होती है तो ये दो रेखाएं कहीं ना कहीं एक समीकरण या एक कंडीशन को फॉलो करती है ना। तो अपन यहाँ पर अब इनका अपन तुलना करेंगे। अब क्या करेंगे अपन? तुलना। तो तुलना करने पर क्या होता है, देखो तुलना करते हैं अपन। तुलना कैसे करते हैं कि ए वन, यहाँ पर देखते हैं अपन ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है B1 बटे
बी टू है ना, ए वन बटे ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू, मतलब ये ए वन और ए टू के बटे में आप बी वन बटे बी टू को करोगे ना, ए वन बटे ए टू के बराबर बी वन बटे बी टू करोगे, और ये दोनों यदि एक दूसरे के बराबर नहीं आएगा तो इसका एक हल निकलेगा, वो निकलेगा अद्वितीय हल। इसको क्या बोलते हैं अपन, अद्वितीय हल। और ये अद्वितीय हल जो निकलता है ना बच्चों, वो इस कंडीशन के लिए निकलता है। और वो कौन सी रेखा शो करती है ये अद्वितीय हल, ये करती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा शो करती है, प्रतिच्छेदी रेखा इसको फॉलो करती है ना बच्चों। तो ये आप अच्छे से याद रखना, अद्वितीय हल में वो आपसे यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा, 100% आपकी एग्जाम के अंदर यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा है ना। तो आप पहली कंडीशन में क्या बता दोगे इसको, कि इसमें क्या होगा कि a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये किस रेखा के लिए होती है, ये प्रतिच्छेदी रेखा, जो दो दो रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, ये प्रतिच्छेदी पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, प्रतिच्छेदी। और जब एक रेखा दूसरी रेखा इस तरह से ऊपर, जैसे मेरा ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर मैंने ये हाथ ऊपर रख दिया, मतलब ये नीचे वाले हाथ को रख लिया, इसके जस्ट ऊपर रख लिया, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। तो ये कंडीशन कब फॉलो होती है, संपाती रेखा वाली, ये वाली होगी जब ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू और बराबर हो जाएगा सी वन बटे सी टू। तो इस कंडीशन में कैसे हल निकलेंगे, देखो यहाँ पर तो अद्वितीय हल होगा और यहाँ पे होंगे अनेक हल। यहाँ पे कैसे हल होंगे, अनेक हल है ना। वो आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी पूछ सकता है कि रेखा आपकी, इस टाइप के मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो किस तरह का हल को कंडीशन के फॉलो करेगी, तो ये करेगी अनेक हल को है ना। ये किसको फॉलो करेगी बच्चों, अनेक हल को है ना। अब जो ये अनेक हल किस रेखा की कंडीशन में आते हैं, अनेक हल आते हैं संपाती रेखा वाली कंडीशन में। प्रतिच्छेदी रेखा वाला में अद्वितीय हल सिर्फ यहाँ पर, जैसे मैंने आपको इसके पहले ग्राफ बनाया था, और ग्राफ में जो प्रतिच्छेदी पॉइंट होता है वहां से अपन एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई का एक ने एक मान मिल जाएगा, ये एक्स और वाई जो है इसका एक वैल्यू अपने को कोई ना कोई से मिल जाएगी। यहाँ पर एक्स और वाई की अनेक वैल्यू मिलेगी, तो ये किस रेखा की कंडीशन में होती है, संपाती। यदि संपाती रेखा है तो ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे C2, और कितने हल निकलेंगे उसके, अनेक हल निकलेंगे। यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये वाली कंडीशन आएगी, A1 बटे A2 does not equal to B1 बटे B2, तो इसका एक हल मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। और जो समांतर रेखा है आपकी लास्ट वाली, इसके लिए और कंडीशन हम फॉलो करते हैं। यदि आपका हो जाए A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2, पर ये बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के, डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, तो ये वाली जो कंडीशन फॉलो करती, ये करती है समांतर रेखा है। मतलब समांतर रेखा में A1 A2 का मान तो बराबर रहेगा, B1 और B2 का मान भी बराबर रहेगा, लेकिन इसके बराबर नहीं होगा, C1 बटे C2 के बराबर नहीं होगा। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, समांतर रेखा। अगर C1 बटे C2 भी इसके बराबर हो गया, B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 के बराबर हो गया, तो फिर वो संपत्ति रेखा बन जाएगी, फिर वो कौन सी बन जाएगी, संपत्ति रेखा। और यदि C1 और C2 की वैल्यू B1 और B2 से अलग चली गई, ये दोनों बराबर नहीं आए, तो फिर ये वाली कौन सी कंडीशन, किस रेखा के लिए चल जाएगी, ये समांतर वाली रेखा के लिए चली जाएगी। और यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं है, B1 बटे B2 के पहले ही बराबर में नहीं आएगी, तो फिर वो रेखा एक दूसरे को काट देगी, और वो कौन सी रेखा बन जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा बन जाएगी। तो इसमें अद्वितीय हल मिलेंगे, इसमें अनेक हल मिलेंगे, और इसमें कौन सा, कितने हल मिलेंगे, इसमें कोई हल नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका कोई हल नहीं है ना। तो ये तीन कंडीशन होती है बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपसे पूछेगा वो है ना, तीनों कंडीशन आपसे पूछेगा कि किस कंडीशन में रेखा के अद्वितीय हल है, किस में अनेक हल है, और किस में कोई हल नहीं है, है ना बच्चों। तो बच्चों ये जो आज मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मैंने बताया है, और आपको ये पूरा एग्जाम के अंदर पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे समझ के जाना है ये कॉन्सेप्ट। आपको यदि आपने प्रश्नावली 3.1 में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से आप सॉल्व करके चले गए, तो आपको कहीं भी कुछ भी समस्या नहीं आनी है एग्जाम के अंदर। तो ओके बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। जय हिंद, जय भारत।